गोरखपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामगढ़ताल स्थित 5-स्टार होटल मैरियट कोर्टयार्ड का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर रामगढ़ताल का कायाकल्प किया गया है। जिस क्षेत्र में लोग कभी भी आने से डरते थे, वो अब विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। धीरे धीरे यहाँ नई सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। आपको बता दें कि 5-स्टार होटल मैरियट कोर्टयार्ड में 5-स्टार होटल जैसी सुविधाएं विकसित की गई है। मुख्यमंत्री ने आधुनिक सुविधाएं वाले होटल मैरियट कोर्टयार्ड का उद्घाटन किया। मैरियट होटल इंडस्ट्रीज का अंतरराष्ट्रीय ब्रांड है। गोरखपुर में रामगढ़ताल के सामने 7.5 एकड़ में विकसित इस ब्रांड के होटल में विश्व स्तरीय रूम और डाइनिंग सुविधा के साथ फिटनेस सेंटर, स्पा आदि की सेवा भी मिलेगी। निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में उभरे गोरखपुर आने वाले उद्यमियों को कारोबारी टूर पर ठहरने के लिए एक और शानदार विकल्प उपलब्ध होगा। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश शासन जयवीर सिंह, सदर सांसद रवि किशन शुक्ला, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सहित अन्य विधायक और भाजपा के पदाधिकारीगण मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा जाए, अनुरोध करूंगी स्वागत अभिनंदन आपका। क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत ना आ जाओगे। श्री सौमित्र सराफ जी से डायरेक्टर एशकर विधायक श्री विपिन सिंह जी का स्वागत अभिनंदन करें। एक उद्घाटन के लिए प्रसिद्ध आए हुए हैं। हमें देश के प्रसिद्ध स्थलों में से एक गोरखपुर में उपस्थित होने पर बहुत गर्व। हम केके समूह और आशमीरा समूह के साथ जुड़कर बेहद खुशी और भाग्यशाली हैं जिन्होंने हमारे साथ साझेदारी की है। हम इस साझेदारी के लिए आनंद जी और सराफ जी के भी धन्यवाद देना चाहते हैं। सच कहूं तो जब श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, तब मैं मैरिट के साथ अमेरिका में था और इंडोनेशिया जाने का तैयारी कर रहा था। तब मैंने गूगल पे गोरखपुर की लोकेशन ढूंढी पहली बार पता करने के लिए कि कहाँ है गोरखपुर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी यहीं से हैं। सो कोर्टयार्ड बाय मैरियट के उद्घाटन के साथ हम गोरखपुर के इस महान गंतव्य पर मैरियट का विश्व वर्ल्ड फेमस हॉस्पिटैलिटी लाने के लिए बहुत बहुत खुश है। आप सभी के समर्थन से मैं यकीन करता हूं कि ये होटल गोरक्ष पीठाधीश्वर हमने के आस्था के केंद्र और उनकर सोच जो विराट बा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी वाला चौमुखी विकास उस सोच के धरातल पे उतर मैं ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और पूरा देश इनकी सोच पर नाज कर रहा है। और आज पूरा बालकृष्ण सराफ जी को मैं दिल से शुभकामना देना चाहता हूँ कि उनकी सोच ने गोरखपुर के व्यवसायियों को एक आत्मबल दिया और पूर्वांचल में उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक नज़ीर पेश किया कि गोरखपुर में रहते हुए, यहाँ के रहते हुए उन्होंने अपने आप को ऐसे विराट और विशाल बनाया और कई मिलियंस ऑफ टर्नओवर में आज ये कंपनी आज कई मिलियन में चल रही है। ये इनकी सोच थी संस्थापक के रूप में श्री जयवीर सिंह जी, इनका मुस्कुराता चेहरा। मंत्री जी, आप पर्यटन के लिए एकदम परफेक्ट फेस और आपकी एक्टिविटी है, आपको बहुत आपका स्वागत है गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर। रवि कृष्ण मैं, ये तो मेरा ही नाम। सदन में हमारे मित्र कमलेश पासवान जी माननीय सांसद बांसगांव, आपके स्वागत बा। श्री विपिन सिंह जी माननीय विधायक ग्रामीण, उनके स्वागत बा। श्री प्रदीप शुक्ला जी माननीय विधायक सजनवा, उनके स्वागत बा। श्री महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराइच, उनके स्वागत बा। श्री विमलेश पासवान जी माननीय विधायक, उनके स्वागत बा। श्री राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक
चिल्लू पारम के स्वागत पर तोड़ सकते हैं वो एग्जाम्पल ये परिवार पूरे गोरखपुर पूरे पूर्वांचल में पेश करता है। मैं उनका तहे दिल से स्वागत और बहुत सारे इस परिवार को शुभकामना इस अद्भुत ऐतिहासिक काम के लिए जो आज उन्होंने किया है मेरी मैरिट के रूप में। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी मेयर साहब उनका स्वागत। अवनीश कुमार अवस्थी जी जो सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं आपके स्वागत है अवनीश जी यार बहुत बढ़िया से। और हमारे पूज्य महंत कालीवाड़ी वाले बाबा जी उनके स्वागत है महंत जी आपके आशीर्वाद बनल रहे एंड ऑल एवरीबॉडी और सारे मंचासीन सभी के स्वागत है। देखिए इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे एक सोच रहती है टूरिज्म बिजनेस यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने फर्टिलाइजर दिया चीनी कारखाने पूज्य महाराज जी की सोच और मोदी जी की सोच एक कॉम्बिनेशन जो चला डबल इंजन के रूप में। महाराज जी ने सबसे पहले किया कि सुरक्षा व्यवस्था कानून माफिया मलेरिया मच्छर इंसेफ्लाइटिस सब पे कंट्रोल किया। अब ये सारी चीजें कंट्रोल हुई माफिया मलेरिया कंट्रोल हुआ इंसेफ्लाइटिस कंट्रोल हुआ सब हुआ तो अब महाराज जी ने क्योंकि महाराज जी अध्ययन अध्यात्म और एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं उनका गोरखपीठ जाना जाता है एजुकेशन के लिए उन्होंने एजुकेशन पे कॉन्सेंट्रेट किया। आयुष महाविद्यालय से लेके अनगिनत उनके 52 कॉलेजेस हैं स्कूल्स हैं जो गरीब बच्चों के लिए अद्भुत कार्य कर रहे हैं और बहुत बच्चे कहाँ से कहाँ वहाँ से पढ़ के गए हैं एंड दे आर टॉपर्स इन द वर्ल्ड। अब मुझे कहाँ कहाँ मिलते हैं लंदन में कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ महाराज जी के स्कूल से पढ़ के गए हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ। तो महाराज जी ने ये किया फिर महाराज जी का थॉट किया क्या करना तो एयरक्राफ्ट की कैसे मूवमेंट देना ये बारीकी से उन्होंने एक एक ईंट रखी गोरखपुर पूर्वांचल के विकास के लिए एक एक ईंट रखी तो 14 एयरक्राफ्ट दे दिए सारे सुसज्जित किया ट्रेन में 1,00,000 लोगों का मूवमेंट है। अब उसके साथ क्या अब बिजनेस कैसे होगा हमको ले आए सांसद बना दिए तो फिल्मों की शूटिंग यहाँ होने लगी 135 फिल्मों की शूटिंग 5 साल में अभी तक हो चुकी है जो कि बहुत बड़ा रोजगार क्रिएट किया और गोरखपुर को अब पूरा देश दिखेगा सिनेमा के माध्यम से। रामगढ़ झील पर महाराज जी ने पूरा फोकस किया कैसे जहां पर लाशें बहती थी हत्या करने का एक स्थान था यहीं पे सामने जो जगह थी अपराध करने की जगह थी इसको उन्होंने एकदम क्लीन किया। वाइडर रोड आज नेपेंसी रोड या मुंबई या दिल्ली या बैंगलोर या कहीं पर भी विदेश मैरियट कोर्टयार्ड के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित ही प्रदेश सरकार के पूर्व अपर मुख्य सचिव गृह और वर्तमान में मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे श्री अवनीश अवस्थी जी जो गोरखपुर में आज से लगभग 20 वर्ष पहले जिलाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और कालीवाड़ी के मोहन जी गोरखपुर के पूर्वांचल के हमारे वरिष्ठ समाज सेवी श्री बालकृष्ण सराफ जी चेयरमैन केके ग्रुप श्री जगदीश आनंद जी चेयरमैन एस्ट्रा ग्रुप श्री अतुल सराफ जी हमारे लोकप्रिय महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी और गोरखपुर के सभी उपस्थित महानुभाव वेरिएट कोर्टयार्ड से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण और भाइयों बहनों आज गोरखपुर में कई चीजें नई हो रही हैं जिसमें अभी हम लोग इस 5-स्टार होटल का उद्घाटन करके आपके बीच में आए हैं और कुछ ही देर में रामगढ़ ताल में क्रूज सेवा को भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक साथ इन दोनों सेवाओं के लिए गोरखपुर वासियों को पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपका आशीर्वाद डबल इंजन की भाजपा सरकार को प्राप्त हुआ तो हर एक क्षेत्र में आपको खुशहाली विकास का एक नया वातावरण देखने को मिला। देखिए शुरुआत एक जगह से होती है और वो शुरुआत आपने एक वोट के माध्यम से प्राप्त कर ली
सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण होता है तो विकास तोड़ पड़ता है, सुरक्षा के कारण निवेश आ पड़ता है, सुरक्षा के कारण सुशासन जमीनी धरातल पर दिखाई देता है और अपने ही घर में नौजवानों को रोजगार भी मिलता है। और मैं कहता था ना कि आने वाले समय में यहाँ के नौजवानों को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि बाहर के योग्य नौजवानों को गोरखपुर में नौकरी के लिए आना पड़ेगा। आज इस होटल के माध्यम से शुरू हुआ है। मैं यहाँ के जीएम से पूछ रहा था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा मुंबई से। यहाँ पे एक पदाधिकारी से मैं पूछ रहा था आप कहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा मैं अहमदाबाद से। यहाँ पे एक स्टाफ से मैंने पूछा आप कहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा मैं दार्जिलिंग से। किसी से मैं पूछ रहा था आप कहाँ से हैं, कोई पुणे से है, कोई बेंगलुरु से है। यानी लोकल लोगों के साथ साथ, लोकल यूथ के साथ साथ देश के भी स्किल मैन पावर को रोजगार देने का माध्यम गोरखपुर बन रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य का अवसर गोरखपुर वासियों के लिए दूसरा नहीं हो सकता। और मैं इसके लिए के ग्रुप को और एस्ट्रा ग्रुप को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की नीति का लाभ उठाते हुए यहां पर इस 5-स्टार होटल को मैट्रेट ग्रुप के साथ मिलकर के आज जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज से 10 वर्ष पहले यहां पे उजाड़ था और जब कभी यद्यपि तब इधर आने का अवसर भी कम मिलता था और आने की इच्छा भी नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी अगर देवरिया बाईपास रोड को बाईपास करके हमें इधर से गुजरना होता था तो यहां पे एक उजाड़ सा दिखाई देता था। जब मुख्यमंत्री बना मैंने 2017 में, तो मैंने अवस्थी जी से कहा कि उस समय पर्यटन और संस्कृति का काम कुछ दिनों तक देख रहे थे, मैंने कहा सर्किट हाउस के बगल में एक उजाड़ सा भवन है, क्या है वो? इन्होंने कहा है वो पर्यटन भवन, पर्यटन विभाग का एक छोटा सा भवन है। तो मैंने कहा उस खंडर को क्यों रखे वहां पे? कहा नहीं, हमारी होटल पॉलिसी का वो पार्ट बन गया है और हम उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, 6 वर्ष के अंदर उसी खंडर में आज एक 5-स्टार होटल बन गया है, का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। आज गोरखपुर में क्या नहीं है, और जब हम गोरखपुर की बात करते हैं तो क्या गोरखपुर एक छोटा सा महानगर नहीं है? 20 लाख की आबादी का नगर नहीं है? 5 करोड़ की आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश की, नॉर्थ वेस्ट बिहार और नेपाल की बड़ी आबादी अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने व्यापार के लिए इस गोरखपुर सिटी पे निर्भर करता है। मैं देखता हूं बिहार में बहुत सारे लोग अपने घर की पार्टी कराने के लिए गोरखपुर में आते, होटल बुक करते हैं। बहुत बार वहां के लोग मिलते हैं, कहां जा रहे हैं साहब, रिश्तेदार आए थे और आज